और ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। गाइस, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। फैंस उनकी इस मूवी के लिए बेहद एक्साइटमेंट हैं। बता दें कि फिल्म जीरो के बाद लंबे समय से शाहरुख खान की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई है। यही वजह है कि शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान मूवी और भी खास है। फैंस के साथ साथ यह फिल्म शाहरुख खान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और शाहरुख खान को इस मूवी से काफी उम्मीदें भी हैं। अगर आप भी शाहरुख खान के फैंस हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज होगी। लंबे समय बाद शाहरुख खान अपने फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। 2 मार्च को शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीजर लॉन्च हुआ, जिसमें टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। तो गाइस, पठान फिल्म का टीजर लॉन्च हो चुका है। शाहरुख खान ने 2 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके सभी को यह जानकारी दी। इस टीजर में लंबे समय के बाद लौटे पठान शाहरुख खान का डिफरेंट और दमदार लुक देखने को मिल रहा है। बता दें कि फिल्म के इस टीजर के साथ ही शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। रिलीज डेट के साथ ही फिल्म से जुड़ी कई अन्य जानकारियां भी लोगों के सामने आ रही हैं, जिनके बारे में जानकर फिल्म का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो गाइस, पठान के इस टीजर के वीडियो में पठान बने शाहरुख खान के अलावा एक्टर दीपिका पादुन और एक्टर जॉन इब्राहिम भी नजर आ रहे हैं। टीजर में दीपिका और जॉन इब्राहिम दोनों ही पठान के किरदार के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान की यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान एक जासूस के अवतार में नजर आएंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फिल्म का बजट कितना है। तो गाइस, पठान फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है। वैसे तो इससे पहले भी शाहरुख खान की कई बिग बजट फिल्म आ चुकी है, मगर इसका एक्साइटमेंट लेवल दूसरे फिल्मों से काफी ज्यादा है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फिल्म में कौन कौन एक्टर नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान के अलावा जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुन नजर आने वाली हैं। इसके अलावा इस फिल्म में सलमान खान का भी स्पेशल कैमियो देखने को मिलने वाला है। शाहरुख खान और सलमान खान के इस कैमियो को लेकर इस फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि फिल्म को देखने के लिए शाहरुख खान के फैंस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि शाहरुख की फिल्म अगले साल 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। तो गाइस, अगर आप भी शाहरुख खान के और सलमान खान के फैन हैं तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।